खबर अंबेडकर नगर से, जहां सत्ता से जुड़े एक नामित सभासद के द्वारा पासपोर्ट के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी पूर्व नामित सभासद भी बताया जा रहा है। सत्ता से जुड़ा होने के नाते पुलिस कार्रवाई करने की बजाय लीपापोती में जुटी हुई है। मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र नगर पंचायत इल्फताजगंज का, जहाँ आपको बता दें ग्राम सभा ताजपुर निवासी रफी उल्लाह बैग ने इब्राहिमपुर थाने की शिकायत में पत्र सौंपा। पत्र में कहा कि नईमुद्दीन बैग का पासपोर्ट रिपोर्ट लगाने की एवज में 18,000 पंचायत को ही सत्ता से जुड़े एवं पूर्व सभासद ने ले लिए। 4 माह बीतने के बावजूद भी आज तक पासपोर्ट पर रिपोर्ट नहीं लग सकी। आपको बता दें कि सिर्फ झूठे आश्वासन देते रहते हैं कि थाने पर पैसे दे दिया हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब पैसे मांगे जाते हैं तो उनके द्वारा धमकी दी जाती है। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्षों को बुलाया गया था, दोनों ने आपसी लेन देन स्वीकार करते हुए समझौता कर लिया। दूसरी तरफ पीड़ित ने कहा कि सत्ता से जुड़े नेता के दबाव में पुलिस के द्वारा डरा धमका कर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया। उसने कहा कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। चाचा आपका क्या नाम है? आपका घर कहाँ है? मौजा सिमरिया। आपने कल कोई तहरीर दी थी? हाँ। किसके खिलाफ दी थी और क्यों दी थी? मेरे लड़का का पूरा NCR, वही का सही करे खातिर, ये शशि नाम है इरफान जी के, वो हमसे रुपया लेन के 18,000 रुपया हमें दे दो, तोरा सारा काम हम करके दे दिए, तो हम 18,000 रुपया उन्हें दे दिए। हाँ, अब न पैसों दिए, अरे न कमोए कहके थे, न पैसों देते हैं। तो हम थाने में गए, अगर ही मने का उबे करी गए थाने में, तो थाने में जब गए तो वह मतलब कुछ न्याय नहीं भवा, हमारा कुछ न्याय नहीं भवा था। हमें हड़बड़ाए थे, बात सुलह करा देना, हमारा पैसा भी दुआ पाए। अभी आपको आपका पैसा नहीं मिला है? नहीं साहब, पैसा नहीं मिला। तो जो समझौता हुआ है वो आपको मंजूर है? नहीं साहब, तो जबरदस्ती जान जो की हो गया है, मंजूर नहीं। पैसा आपको चाहिए? हाँ, मैं पैसा चाहिए।